अभी भी लड़ना चाहते हो तुम? हाँ, खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरी पावर को तुमने खो दिया है। ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बस इत्तेफाक था, इसे किस पर कह सकते हो समझे? और मैं दावे से कहती हूँ कि इस बार तुम्हारी किस्मत चल रही है क्योंकि इस बार मेरी पावर तुम्हें खत्म कर देगी। इसकी आंखें देखो तो, देखो उसने क्या रूप लिया है, चमक रहा है, अद्भुत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जीरेन से लड़ते समय लिया था। हाँ, ये अचूक रूप है। और एक बार फिर उसने अपनी ही सीमा को तोड़ दिया। कभी नहीं सोचा था इस टूर्नामेंट में वो फिर से इस दैवीय शक्ति को हासिल कर लेगा। खुशी की बात है हमें ये दोबारा देखने मिला है। इस बार इसका सही इस्तेमाल करना ही होगा। ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, मुझे इसका इंतजार रहेगा। हाँ, मैं भी इसे बहुत एंजॉय करने वाला हूँ। मौज हुए फाइटर्स कैप्ला के साथ की भयानक लड़ाई ने गोकू को एक बार फिर उस बुलंद लेवल पर पहुंचा दिया है जिस ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लेवल तक पहुंचने के लिए डिस्ट्रॉयर्स तक संघर्ष करते हैं। ये असाधारण सेम्स किसी भी सीमा से पार जाकर पावर के नए लेवल को खोजना जारी रखते हैं। क्या गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कैप्ला का खात्मा कर देगा या कैप्ला उसकी पावर का सामना करके अपने यूनिवर्स की उम्मीद को जिंदा रखेगी? टूर्नामेंट ऑफ पावर के 19 मिनट बचे हैं। अगली बार ड्रैगन बॉल सुपर में।